करना इसे पड़ेगा और जो संघर्ष से डरेगा आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, इस देश को आजाद हुए 70 साल हो गया, हम जहां थे उससे निचले स्तर के निचले पायदान पर पहुंच चुके हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। उसका रीजन क्या है, उसका वजह क्या है मेरे दोस्तों, कि हमने कभी अपने कायद के पीछे चलना मुनासिब नहीं समझा। हम अपने लीडर के लीडर पर जो है एतमाद नहीं करते हैं, हम अपने लीडर के भरोसे नहीं रहते हैं। जिस दिन हमारे अंदर एतमाद पैदा हो गया, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में माननीय अशरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो डंका मनाने का काम किया है, जो लोकसभा से लेकर के रोड तक संघर्ष करने का काम किया है, हम उनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इस शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहते हैं कि वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, वतन परस्ती का जज्बा जवान रखते हैं, बहुत संभाल के पुरखों की आन रखते हैं। ये कह दो मुल्क के नापाक ठेकेदारों से, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। अल्लाह हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो कि ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। और एक शेर के साथ मैं आपको पूरी बात अपने उस शेर में मैं कहूंगा कि राहत इंदौरी का शेर है कि तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। 2014 में भी आपने देख लिया, 2019 में भी देख लिया आपने। 2019 में जो लोग कहते थे कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, एक महागठबंधन बना, हम नहीं लड़े, लोगों ने कहा हम बीजेपी के एजेंट हैं, हमने कहा हम बीजेपी के नहीं, हम अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजेंट हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया, हमारे आका पे भी इल्जाम लगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग मोटी चमड़ी के लोग हैं, हम पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि जिस कौम के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता, मैं अपनी बात को यहीं पे रोक दिया था कि इस मुल्क के अंदर दलित और मुसलमान दोनों के ऊपर जुल्म हुए, हम पे तो कम हो रहा है। इन दलितों के ऊपर जो जुल्म हुआ, इनका मुकद्दर बन गया था सुबह उठ करके अपने सरों पर गंदा रख करके फेंकना, नाले की सफाई करना, किसी नल पे पानी पी लेते थे तो इनको वहां से मार के भगाया जाता था, रात में दिन में दिन के उजाले में इनकी बस्तियों में जाकर के इनकी माए बहनों की इज्जतें लूट ली जाती थी, और जब वो शिकायत लेकर के जाते थे तो उन्हें उल्टा जूते से मारा जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने देते थे। ये दास्तान इस मुल्क के अंदर दलितों के साथ हुई, हमारे साथ जो हो रहा है वो कम है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दलित जागा, उसका एक लीडर मान्यवर काशीराम जी की शक्ल में पंजाब की सरजमीन से निकला, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे को टारगेट किया, दलित बस्तियों में जाकर के दलितों को जागरूक करने का काम, और कहा दलितों संगठित हो जाओ, जब तक तुम तो अपने सियासी परचम के नीचे नहीं आओगे, जब तक तुम्हारा अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक तुम सताए जाओगे, मारे जाओगे, काटे जाओगे, तुमको कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। बहुत सारे दलित थे और भी पार्टियों में बड़े बड़े ओहदों पर थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि 131 दलित हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमेशा जाएगा, कितने 131, क्योंकि वो जो रिजर्व सीट है तो उसपे जीतेगा तो दलित, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किस पार्टी का। लेकिन ये वही दलित होंगे जब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये जाएंगे तो ये खामोश रहेंगे, ये तब आवाज निकालेंगे जब इनको नींद आएगी, तब ये अपना मुंह खोलेंगे, वरना ये अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने दलितों को जागरूक किया, 1984 में पहली मरतबा बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ा। मुलायम सिंह होशियार आदमी थे, 1992 में बाबरी मस्जिद की गिरी हुई दीवारों पर उन्होंने समाजवादी का ऐलान किया,
और काशीराम को अपने साथ मिला करके उन्होंने अलायंस करके इलेक्शन लड़ा और हम मुसलमानों ने 20% होकर के हमने इन्हें वोट डाला, इख्तदार की कुर्सियों पर पहुंचाया। लेकिन हमें क्या मिला, सवाल ये, हमारे भी बहुत बड़े मौलाना अबुल कलाम आजाद इस मुल्क के सबसे पहले वजीर तालीम थे, लेकिन आज अगर मुसलमान तालीम के मैदान में पसमानदा है तो आप बताइए मुझे कि इतने बड़े बड़े लीडर होने के बावजूद आज हम क्यों हर चीजों से वंचित हैं। इसलिए हम वंचित हैं क्योंकि आपकी अगर आवाज बन सकती है तो वो आपके प्लेटफॉर्म से आपका लीडर आपकी आवाज बन सकता है, न कि आप ये चाहो कि आपकी आवाज समाजवादी से निकले, आपकी आवाज बीएसपी ट्रिपल तलाक पर सब खामोश थे, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग हुई, जगह जगह तबरेज अंसारी को मारा गया, अलवर में पहलू खान को मारा गया, दादरी में अखलाक को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, लेकिन एक आवाज नहीं निकली। एक मरतबा अगर अखिलेश यादव या मायावती ने या राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया होता कि जो हो रहा है मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है तो शायद हम ये मानते कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमारे लीडर है, लेकिन सब के सब खामोश रहे। 2019 के इलेक्शन में लफ्ज मुसलमान या लफ्ज अल्पसंख्यक किसी ने अपने स्टेज से नहीं बोला और आज जब बात आती है तो कहेंगे कि अरे भैया मैं तो आपकी कौम का बेटा हूँ, मुझे वोट दे दो। अरे मुझे उस कौम के बेटे से क्या मतलब जो समाजवादी पार्टी में डीलर की हैसियत से काम कर रहा है, मुझे उस कौम के बेटे से क्या मतलब जो बहुजन समाज पार्टी में एक डीलर की हैसियत से काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले अबुल कैस साहब विधानसभा का इलेक्शन लड़े, 5 साल तक आपकी आवाज बने, आपकी जरूरियात को कौन पूरा कर रहा है, कोई मामला होता है कौन भाग करके जा रहा है, कौन पुलिस थाने को जा रहा है, कौन तहसील को जा रहा है। तो ऐसे लोग अपनी पार्टी की आवाज बन सकते हैं, कभी आपकी आवाज नहीं बन।